Hey everybody, कोरियन एक्टर है तो मैंने इसकी फोटो सिलेक्ट किया हो और हम क्या करेंगे इसके बाद। मैं इसको आज बताऊँ कि आप जो वाइट कलर का जो ये दिख रहा है आपको, आप ये कैसे चेंज कर सकते हो जो बैकग्राउंड है, और यहाँ पे अलग ग्रेडियंट कैसे क्या ऐड कर सकते हो सॉलिड कलर पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो आज का। तो ये बेस्ड है आज के फोटोशॉप स्किल से जो बिगिनर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट सब्जेक्ट करके करूँगा इस पिक पे। तो इन्होंने ऑटो सिलेक्ट कर लिया है पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्ट सब्जेक्ट फोटोशॉप 2020 का जो वर्जन है, एडिशन वर्जन जो है यहाँ पे, तो ये देता है ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन। यहाँ से मैं थोड़ा जो है डिटेल्स जो नहीं इसमें सिलेक्ट किया मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिसलेक्ट कर रहा हूँ जो नहीं चाहिए। सो गाइस, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ इमेज, समझ लो ये थोड़ा इसका आपके पास का वगैरह सब डिटेल में करता हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, छोटा मोटा रहता होता रहता है, ये मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये जो हमने है इमेज सिलेक्ट कर, इमेज जो है सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो मैं इसको करूँगा। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन रखा मैंने, जो नीचे में जो कैमरे का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये जो ऐप ऑप्शन दिख रहा है आपको कैमरे एफएक्स के बाजू राइट साइड वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ होता है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। तो हम इसको प्रेस, मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। तो हम इसको प्रेस करेंगे ऐसे, तो ये कर लेगा सिलेक्ट। तो ठीक है, तो इसने सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को पीछे वाले हटा दिया है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये है अपला, इसको लेयर मास्क करना है। कैसे अप्लाई, ये वाले जो ये जो दिख रहा है आपको टू इमेज के जो मतलब दो इमेज के जो बीच का ये जो दिख रहा है आपको चैन जैसे, उस पर क्लिक राइट क्लिक करके आपको करना है अप्लाई लेयर मास्क। तो हमने ये अप्लाई लेयर मास्क कर दिया है इस पर। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमको करना है न्यू लेयर ऐड यहाँ पे। मैं तो मैंने यहाँ पे न्यू लेयर ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको कलर चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और सॉलिड कलर करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड कलर आपको कौन सा कलर चाहिए, मैं कौन सा लूँ, ब्लैक लेंगे। ठीक है, ब्लैक लेंगे या फिर कौन सा आप बताइए, आप जो बोलोगे वैसा कौन सा अच्छा लगेगा। ब्लू नहीं, क्या ब्लैक ही रहने देते यार, मेरे हिसाब से तो ब्लैक ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं नहीं ब्लैक नहीं यार, ब्लैक कॉमन हो जाएगा और वो बाकी के इमेज में सूट नहीं करेगा। कैसा लेना है, ये लेंगे। ठीक है, ये ले लेंगे, ये थोड़ा ऊपर करेंगे हम। ठीक है, इसको ओके करके हम इसको करेंगे ड्राइंग नीचे। तो ये जो आप देख रहे हो ये लेयर जो है हमने क्या किया, और एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, हमने जेड करके ये जो लेयर ऊपर थी इसको प्रेस करके नीचे ड्रैग किया। तो ये जो हो गया जो हमारा जो मतलब ये है फैशन आइकन जो है वो हमारे लेयर के ऊपर आ गया। तो हम इसके बाद क्या कर सकते हैं और मैं बताऊंगा इसके बाद क्या करना है हमको। ये जो सॉलिड लेयर दी है इस पर हम ग्रेडियंट करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे हम लोग, लीनियर नहीं, रेडियल, और रेडियल में जाके आप स्केल बढ़ा लेंगे ऐसी, और इसको कर लेंगे रिवर्स। इसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे स्केल, पहले हम इसके फोकस जो इसके फेस पे करेंगे। ठीक है, तो ये मैं फोकस इसके फेस पे कर रहा हूँ और हम लोग बढ़ाएंगे फिर इसकी स्केल। ठीक है, ऐसा ओके। तो ये हो गया हमारा ये जो ग्रेडियंट हमने ऐड किया। उसके बाद हम शेडो कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो शेडो के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा शेडो ड्रॉ। तो हम कैसे करेंगे, इसके बाद यहाँ पर जाके ब्रश टूल करेंगे और हम अप्लाई इसके नीचे ही कर सकते हैं। मेरा टूल नहीं दिख रहा है यार, ये जो ब्रश टूल रहता हमारा ये नहीं दिख रहा है, एक मिनट से क्रॉस करते हैं। ये हमने ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो ओपेसिटी हमको कम करनी है इसकी। जो ओपेसिटी है हम कर लेंगे कम, फ्लो भी कर लेंगे कम, ओपेसिटी और कम करने के टाइम आया था। ठीक है, तो हमको शेडो गिरानी इसकी इतनी जगह पर। ठीक है, इतनी जगह पे हम शेडो गिराएंगे इसकी। ये कर दिया हमने शेडो ड्रॉप पीछे साइड। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाफ शेडो, ये मैंने ज़्यादा ही कर दिया था एक मिनट। तो हाँ, तो ये हो गया।
और आपको एक बात की याद रखनी है, आप जिस पोर्शन में आप शेडो ड्रॉ करते हैं उस पोर्शन में रिपीट नहीं जाना, नहीं तो फिर वही पर्सन जो पोर्शन जो आपका वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया इसकी शेडो ड्रॉ, तो ये थोड़ा पीछे साइड ऐसे अलग दिख रहा है। तो हम और क्या करेंगे, इसकी शूज़ की जो डिटेल है, शूज़ के नीचे की डिटेल थोड़ी ओपेसिटी ज़्यादा करके ये ऐसे इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम, आपका जो शेडो है वो थोड़ा ये हो रहा है, तो इसको हम करेंगे ग्रेडियंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऊपर किया तो वो ग्रेडियंट अलग ही दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो गई शेडो। शेडो हमको नई लेयर पे ड्रॉ करनी होती, तो हम मतलब क्यों लेयर नई लेयर पे बताऊंगा मैं, अब आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं न्यू क्लियर और एक सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर जो है शेडो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जो है लाइटली, आपको जिस डायरेक्शन में चाहिए आप उस डायरेक्शन में शेडो ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा पीछे पीछे साइड उसके। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा हल्का सा दिख रहा हूँ। हाँ ठीक है, इतना ठीक रहेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके शू की जो डिटेल्स है, ये पिक जो है इतनी क्लियर नहीं आएंगी, तो हम ज़्यादा होप भी नहीं कर सकते ये इमेज को और इसे करने का। तो ठीक है, मैं इसके शूज़ के नीचे ऐसा, यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा रहती, तो यहाँ पे डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हम एक लेयर ऐसे पीछे, तो ये ऐसे लग रहा है, ये जो पिक है और ये आपको दिख रही होगी थोड़ी ओरिजिनल, जैसे हमने ओरिजिनल वाइट कलर के लेते वैसे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। तो इसके बाद हम इस शेडो को ब्लेंड कर सकते हैं, कैसे, ऐसे जाके यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद इस शेडो को क्लिक करने के बाद हम ऐसे इसको मूवेबल बना सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं शो ट्रांजेक्शन करके। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया है हम, और यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे इनर शेडो, टेक्सचर शेडो, स्ट्रोक, ऐसा अलग अलग इन्होंने ऑलरेडी जो है टेक्सचर स्टाइल दिया है। तो हम आउटर ग्लो, इनर ग्लो, रेडियंट टेक्सचर, इनर शेडो, ठीक है, ये हो गया। हम इस लेयर को क्या कर देंगे, ब्लर करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये जाएंगे यहाँ पे और गोशियन ब्लर से, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही ब्लर करना, ज़्यादा करोगे तो ये थोड़ा लग मतलब दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। हाँ ठीक है, ऐसा रहने देंगे, ठीक है ऐसा रहने देंगे। ठीक है, तो ये ठीक है ऐसा रहने देंगे और कुछ नहीं, ओके कर देंगे। इसके बाद हम जो है ये जो मॉडल है इसको हम करेंगे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, थोड़ा इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे ऐसे, उसके बाद एक्सपोजर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसका, ये टेक्सचर है टेक्सचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्लियरिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्लियरिटी का कुछ ये नहीं इशू नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे हम टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगा ये जो यू करके ऑप्शन है इसमें, इसको बाद यहाँ पे यू करके ऑप्शन के बाद यहाँ पे येल्लो दिया है, मैं करूँगा उसको सिलेक्ट, ऑरेंज कर सकता हूँ और कोई बहुत सारे कलर है और जो चाहिए वो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाके हम येल्लो की डेंसिटी ये कर सकते हैं, ये मैंने इंक्रीज कर लिया और यू इसका कर लेता हूँ चेंज, ये अच्छा रहेगा या ये, ठीक है ये कर लेंगे। उसके बाद ल्यूमिनेंस में येल्लो की ल्यूमिनेंसिटी हम ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो वो जो इमेज इतनी क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा क्वालिटी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया, ओके। तो ये मॉडल जो है हमारा, तो ये आप देख सकते हो क्लियर, मतलब क्लियर मतलब थोड़ा हटके, पहले से हटके दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको ये ऐसा था, उसके बाद हमने इसको किया ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया डार्क। हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं बताते हैं, अगर समझो ये मॉडल अगर आपको दिखाना है पीछे जो ये वॉल है और ये वॉल को चिपक के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसको करेंगे ऐसा, नहीं इसको यहाँ पे जाने के बाद कर लेंगे हम, यहाँ पे क्लिक ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ड्रॉप शेडो करने के बाद हम लोग यहाँ सेम
इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, डिस्टेंस थोड़ा ऐसे करेंगे ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा कम करके ऐसा इसके डिस्टेंस थोड़ा कर लेते और ज़्यादा ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडो के बारे में, साइज थोड़ा ऐसा रखेंगे ठीक है, ब्लरिश रखेंगे तो थोड़ा ऐसे लगना चाहिए कि वो पीछे खड़ा है सच में ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे इसको ओके, और देन आप देख सकते हो चेंजेस इस पिक में। और अगर आपको कोई अलग लाइट वगैरह डालना रहा है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसे एम्ब्रेड करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे इमेजेस, कहाँ पर इमेजेस, उसके बाद लाइट, लाइट की तरह हाँ लाइट, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं इसमें एडिशनली लाइट ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो मैं करूँगा पिंक वाला करके देखेंगे हम कैसा है कैसा ना। तो ये जो देखो ये ऐसा, ये लाइट के पिक्सल कितने भी फटे टेंशन नहीं है लाइट के पिक्सलों का। तो इसको करूँगा मैं कलर डॉज, कलर डॉज, कलर डॉज ठीक है, इसको हम और इंक्रीज कर सकते हैं ऐसा। अब देखो इतना कुछ फर्क नहीं गिरेगा ठीक है। ये हो गए हमारी, ओ नो 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 नो, हाँ ठीक है। तो ये हम ऐसे कलर डॉज कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते, कलर डॉज ठीक रहेगा ठीक है। तो हम इसको मैंने कर दिया यहाँ पे प्ले, और ये जो लाइन दिख रही है आपको ये लाइन करके ऐसे, उसके बाद ये तो ड्रॉन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये सिंबल क्यों दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर को करेंगे रास्टराइज लेयर। अब ये करेंगे ओपेसिटी इसकी कम, इरेजर का साइज कर लेंगे मैक्स, थोड़ा ज़्यादा ही मैक्स हो गया ये ठीक है इतना। और हम जो लाइन है उसके ऊपर से हमको बस ऐसा ड्रॉ करना है ठीक है, ये ऐसे ऐसे लाइन के ऊपर से बस, और कुछ नहीं, लाइन 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 ठीक है। तो और अगर आपको कम करना होगा तो ये लाइन और आप कम कर सकते हो ठीक है। ये मेरा वीडियो जो है प्रो, मतलब मेनली जो है ये मेरा वीडियो मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, जो आपको मतलब इतना डिटेल में नहीं, बस थोड़ा कुछ ही चेंजेस चाहिए आपके फ़ोटो में। तो आप जो मैं ये जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ये आप फॉलो करके आपकी इमेज की इन्हेंसमेंट बढ़ा सकते हो, या फिर अट्रैक्शन अलग अलग ही लेवल पे आप फोटो एडिट कर सकते हो ठीक है। तो ये मैं बस बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो असली फोटोशॉप वाले भाई बोल मत देना ये क्या बता रहा है ठीक है। तो मतलब ये जो अभी अभी फोटोशॉप ट्राई कर रहे हैं बैकग्राउंड चेंजिंग करना ऐसा वैसा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आओ, मैं सब आपको डिटेल्स जो है सब फोटोशॉप की वो बताऊँगा ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्लेस एम्ब्रेड में, हम लोग करेंगे प्लेस ब्लू कलर का लाइट ठीक है। तो ये हम करेंगे ऐसा, और फिर इसको स्क्रीन करके इसको करेंगे हम स्क्रीन ठीक है। स्क्रीन मतलब अब हमने अगर उसको कलर डॉच किया तो इसको क्यों स्क्रीन करेंगे ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे, इसकी इन्हेंसमेंट बढ़ा लेंगे थोड़ी और ज़्यादा करेंगे ठीक है ठीक है। हाँ तो ये हो गया, मतलब ये जो हो गया इसका ब्लूविश कलर जो आ रहा है आप देख सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओपेसिटी इतनी रहने देंगे ठीक है। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हो इस पिक में चेंजेस, पिक थी कैसी और हमने किया कैसे ठीक है। और क्या आपको बताऊँ इसमें, और क्या है एडिशनल ऐड करने के लिए, आप यहाँ पे मतलब पीछे कोई नाम वगैरह ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और चेंजेस अगर आपको हो ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है बस ये सॉलिड कलर जो लिया हूँ मैंने पीछे, ये नहीं बताते हुए मैं आपको बैकग्राउंड पूरा चेंज करके डिटेल में बताऊंगा। ये मैंने बस बिगिनियर्स के लिए बताया हूँ कि कैसे आप फोटोशॉप में अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और लाइट वगैरह ऐड करने के बाद आप कैसे क्या ये कर सकते, मतलब ये कैसे क्या आप ये ऐड कर सकते हो। और आपको एक वीडियो मैं पूरा फेस क्लीनिंग के ऊपर बनाऊंगा कि आप कैसे क्या अपना फेस जो है वो क्लीन कर सकते हो फोटोशॉप में। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, गाइज आप मुझे लग रहा है कि आई होप कि आपको जो वीडियो है पसंद आने लगेगी आगे वाले अपकमिंग वीडियोस। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस, अगर आपको ये फ़ोटो अच्छी लगे, और अगर आपको कोई भी डाउट रहा फोटोशॉप के रिगार्डिंग तो आप मेरे को कमेंट में या फिर पर्सनली इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये रहा हमारा आज का सेकेंड वीडियो।